आरबीआई ने यस बैंक से पैसा निकालने की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी है। अब बैंक के खाता धारक ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। ऐसे में यस बैंक के ग्राहकों के बीच परेशानी देखी जा रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल किया है कि क्या आम आदमी पार्टी का पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाल ही में पीएमसी और अब यस बैंक से पैसा निकालने पर पाबंदियां लगी है, ऐसे में एक डर होना तो लाजमी है। ओवैसी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट में कहा कि पहले गैर बैंकिंग कंपनियां जैसे आईएलएफएस एंड दीवान डूबती अर्थव्यवस्था का शिकार हुई, उसके बाद एक अमीर राज्य महाराष्ट्र में एक बड़ा सहकारी बैंक पीएमसी बैंक विफल हुआ, अब पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक यस बैंक फेल हो गया। क्या बैंकों में हमारी बचत सुरक्षित है? आपको बता दें कि आरबीआई ने नकदी की कमी से जूझ रहे यस बैंक से पैसा निकालने की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए निर्धारित कर दी है। बैंक के ग्राहक एक महीने में 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई ने गुरुवार देर शाम जारी बयान में कहा कि यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने 30 दिन के लिए उसके बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। भारत में प्राइवेट सेक्टर के चौथे सबसे बड़ा बैंक यस बैंक अगस्त 2018 से संकट में है। उस समय रिजर्व बैंक ने बैंक के संचालन और लोन से जुड़ी खामियों की वजह से मौजूदा बैंक प्रमुख राणा कपूर को 31 जनवरी 2019 तक पद छोड़ने को कहा था। बैंक को मार्च 2019 की तिमाही में पहली बार घाटा हुआ। यस बैंक ने शुरुआत में 2 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की योजना बनाई थी। इस बारे में कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ था, लेकिन कोई सिरे नहीं चढ़ सका। बहनों भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं एमएस ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दुबाला 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, एमएस ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। एमएस ज्वेलर्स अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।